हेलो गाइस, मैं डॉक्टर दीपक आंजना और आज हमारे साथ इस वीडियो में डॉक्टर पूजा, जिन्होंने रशिया से अपना एमबीबीएस किया है और अब ये जो है जयपुर में डीएनबी मेडिसिन कर रही हैं। तो आज इनसे उनका पूरा जो जर्नी, जो एफएमजी से लेके फिर पीजी तक का जो प्रिपरेशन था, वो आज पूरा हम जानेंगे। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर पूजा ज्वाइन करने के लिए। Yeah, the pleasure is all mine. Hi, Deepak. सो कैन यू प्लीज टेल समथिंग अबाउट यू? जैसे सबका सपना होता है, डॉक्टर बनेंगे, पेशेंट्स ट्रीट करेंगे, है ना. 17-18 साल के होते हैं, जब नीट अपना नहीं हो पाता है तो आगे क्या होता है. एवरीबडी गेट्स डिप्रेस्ड, राइट. सो दैट टाइम माई फादर डिडंट लेट मी ज्वाइन फिजियोथेरेपी या डेंटल, कुछ नहीं ज्वाइन करने दिया. इज लाइक, नो, इफ यू हैव ड्रीम ऑफ दैट, अपन कैसे भी करेंगे. सो यहाँ पे इंडिया में तो देर वॉज सो मच ऑफ डोनेशन एंड एवरीथिंग. सो वी गॉट टू नो अबाउट यूक्रेन. तो उस टाइम पे वेन आई अप्लाइड, द यूनिवर्सिटी एक्चुअली बिलोंग टू यूक्रेन. बट देन 2014 में ये हुआ कि रशियन फेडरेशन ने उसको ऑक्यूपाई कर लिया. तो फाइनली हमारा 6 ईयर्स का ड्यूरेशन जो था वो रशियन फेडरेशन के अंदर कटा. एंड फाइनली आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम क्राइमिया फेडरल यूनिवर्सिटी कब हुआ था आपका ग्रेजुएशन? 2018 पास आउट हूँ मैं. 2018 पास आउट है। ओके, सो जो आपका जो एमबीबीएस जर्नी था, मतलब यहाँ से जब फिर आप गए वहाँ पे 2018 में आप पास आउट है, मतलब जब आप गए 2013-14, उस समय तो इतना इंटरनेट वाली चीजें और बहुत सारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वगैरह कुछ था नहीं, ज्यादातर चीजें। तो उस समय फिर कॉलेज में कैसी पढ़ाई वगैरह होती थी और कॉलेज में क्या प्रिपरेशन होती थी? नो, आई एक्चुअली वेंट इन 2012 एंड ऐसा लगता है कि उस टाइम पे डेवलप नहीं था, बट नो, इट वाज क्वाइट डेवलप. एंड जो हाई स्पीड इंटरनेट इंडिया में भी नहीं देखने मिलता था, उससे भी क्वाइट बेटर हाई स्पीड इंटरनेट हमको वहां पे नहीं, मेरा एक्सेस कि होता था. जो जो भी ऐप जो चल रहा है आजकल, प्ले प्लेडर, मेरो, ये सारी चीजें उस समय इतनी नहीं थी आजकल। अच्छा, ओके ओके यार, वो सब नहीं था उस टाइम पे. जो प्रिपरेशन था, सी आई एम वेरी ब्लेस्ड टू माई अल्मा मैटर दैट माई फैकल्टीज वर क्वाइट गुड एंड क्वाइट सपोर्टिव थ्रू आउट द जर्नी. एंड यू नो, आपको अल्मा मैटर बनाता है. यू यू आर मेड और ब्रोकन बाय योर अल्मा मैटर. सो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि जो कुछ भी थ्रू आउट 6 ईयर्स मुझे जो भी सब्जेक्ट्स में प्रोफेसर से हेल्प मिला है, दैट वॉज वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव, वेरी लुक्रेटिव टूवर्ड्स द करियर दैट आई हैव टूडे. एंड फॉर दैट आई एम फॉर एवर ग्रेटफुल टू देम. अपार्ट फ्रॉम दैट, ऐसा होता है ना कि जब आप इंडिया आते हो तो पीपल लुक लाइक कि यार ये तो वहां से करे, पता नहीं है इसका एमसीआई निकलेगा नहीं निकलेगा. एंड देन देयर इज अ लॉट ऑफ पीयर प्रेशर, ओके, कि अच्छा वहां पे धोए का, त्रोए का, पित्योर का, है ना, 3, 4, 5 में आपको नंबरिंग मिलती है. तो पासिंग दोज एग्जाम्स इज क्वाइट इजी कंपेरेटिवली, है ना. हाँ, वो वाइवा वाला स्ट्रक्चर रहता है. बट वेन यू कम हियर, यू सिट डाउन, गिव दैट एमसीक्यू टेस्ट, और आपको बस एक ही टारगेट होता है कि बस 150 कुछ भी करके लेके आना है ताकि आप उस लूप में से बाहर हो जाओ, है ना. बिकॉज इफ यू गेट स्टक, वो जो पीरियड होता है ना, वो बहुत बेकार होता है. तो हमारे सीनियर्स थे, दे वर क्वाइट क्वाइट हेल्पफुल, एंड उनको भी आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर देम. उनका गाइडेंस काफी हेल्पफुल रहा उस टाइम पे. ना ऑफलाइन क्लासेस होते थे, DIEMS, है ना, अभी मिस्ट आ रहा है ना. तो मैंने DIEMS ज्वाइन करा था इन माय 5th ईयर. जब मैं 5th ईयर मिड स्कूल में थी, तो उसमें ना ऑफलाइन क्लासेस का एक्सेस रहा था. जैसे कि आप यहाँ पे आते हो 2 महीने के वेकेशन के लिए, तो उस दौरान उन्होंने लाइक दे कंप्लीटेड 7 और 8 सब्जेक्ट्स ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम. कोर्स जो चलता था। 2-3 महीना जो होता है ना, उसमें आपके अगर 7-8 सब्जेक्ट अगर टीचर आपको पढ़ा देता है, आपको वहां जाके कुछ नहीं करना है, उसके नोट्स लेके बैठने हैं, उसके नोट्स रिवाइज करने हैं, उसके क्वेश्चंस बनाने हैं. इफ यू डू इवन 50% ऑफ इट, अगर 50% भी वो चीज रिटेन हो जाती है ना, तो बहुत हेल्पफुल रहता है. सही बात ठीक है। है, क्या होता है ना कि थियोरी इंसान भूल जाता है, बट क्वेश्चन लगाए है ना तो वो याद रहता, अरे ये तो मेरा गलत हुआ था यार, है ना. तो सही बात। समहाउ उस चीजों को आप रिटेन करते हो, है ना. तो आई थिंक ऑफलाइन क्लासेस उस टाइम पे जो थे, दे ऑल्सो हेल्प मी अ लॉट फॉर माई एंटायर जर्नी. ठीक है। तो अभी जैसे ग्रेजुएशन हो करके जब आप आए वापस इंडिया में, तो कितने सब्जेक्ट आपके तब तक हो गए थे और फिर इंडिया के वापस से आपने कोचिंग ज्वाइन करी थी? जब आप इंडिया आते हो ना, पहले तो आप कल्चरल शॉक में होते हो, इमोशनल कल्चरल सारा शॉक होता है आपको. बिकॉज आपने अपना एडोलेसेंट और आपका ग्रोइंग फेज वहां पे स्पेंड किया हुआ है, एंड सही देन बात। यू आर कमिंग बैक टू दिस कल्चर.
तो एक होता है थोड़ा सा कि हाँ थोड़ा टाइम लगता है सेटल होने में. तो जब आप यहाँ पे आते हो ना, तो आपको तो एक तो माइंडसेट बनाना पड़ता है कि चलो अब जो भी है ये है, अब इसमें से निकलना है अपन को. तो फर्स्ट थिंग दैट, तो उसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट टाइम लेता है, हर कोई बंदा टाइम लेता है. एंड सेकेंड थिंग, वहां का यहाँ के आने के बाद है ना, ऐसा लगता है जब बुक्स खोलते हैं ना, सब कुछ नया लगता है. अगर आपने कुछ रिवाइज नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो सब कुछ नया लगता है. सही बात है। तो ऐसा ही लगता है कि आप फिर से जीरो से ही स्टार्ट कर रहे हो. तो बट आई आई विल जस्ट से वन थिंग, जैसे कि वो 4 महीने जो होते हैं ना, जब आप पास आउट होके जून में आते हो और दिसंबर में जबकि आपका एग्जाम रहता है, दोज 5 to 6 months पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज इनफ, बहुत इनफ है. वो आराम से आपका निकल सकता है. उस टाइम में आपकी थियोरी हो जाएगी, आपका एमसीक्यू बन जाएगा, आप ग्रांड टेस्ट दे दोगे, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा. एंड अगर आप वो रिटेन कर लेते हो ना, तो आपका एमसीआई निकलना ही निकलना है. सही बात बहुत है। से लोग क्या करते हैं, इधर से भी पढ़ लेते हैं, उधर से भी पढ़ लेते हैं, है ना, रिविजन नहीं हो पाता है. मल्टीपल सोर्सेज एट एट उसका। द एंड, एग्जैक्टली, एंड एट द एंड ऑफ द डे सारे सोर्सेज एक ही इंफॉर्मेशन पास ऑन करते हैं. सही वाई बात। टू कंफ्यूज योर सेल्फ एंड बॉदर विद सो मच ऑफ इन्फॉर्मेशन, जब एट द एंड ऑफ द डे आना वही फैक्चुअल क्वेश्चन सही है बात है। ना, घुमा फिरा के अराउंड दैट. सी एग्जाम में क्या होता है, वही क्वेश्चन बनते हैं जो 5 साल 10 साल से बन रहे हैं. आपने क्वेश्चन लगा दिया, आपको पता है टॉपिक में से आने हैं, ठीक है, तो आना तो उसी टॉपिक में से है, तो वाई टू यू नो बीट अराउंड द बुश. टॉपिक पढ़ लो, आपका तो क्लियर हो जाएगा उस दौरान में. एंड देयर इज सो मच ऑफ इन्फॉर्मेशन गिवन इन वन स्मॉल टॉपिक, कि आपको पता ही है कि आप जब पढ़ोगे ना कि हाँ इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है ना. मोस्ट कॉमन चीजें जो इंडिया में है, कॉमन इज कॉमन, अनकॉमन इज अनकॉमन, ठीक सही बात। है. क्वेश्चन पेपर बनाने वाले को इतना पता है कि 70% चीजें मुझे ऐसी ही रखनी है जो कॉमन है, जो बच्चों ने देखी है, जो सुनी है ना. डायबिटीज है, अनीमिया है ना, B12 है, थायराइड है, सबको पता है, हाइपर टेंशन है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, ठीक है, ये ABGs है, ये सारी बहुत आसान आसान चीज है. वो उसको पता है कि 70-70% बच्चे अटेम्प्ट करेंगे ही करेंगे. बाकी की जो होती है ना, 10% चीजें जो हार्ड हार्ड लगती है, जो लगता है कॉन्फिडेंस ब्रेक करने के लिए होती है, वो रखना पड़ता है. सही बात सी है। उसमें ना ऐसा होता है, जो स्कोर करने वाला है वो तो करेगा ही करेगा, है ना. और जो अपन को पता है कि हाँ ये टॉपिक मैंने नहीं पढ़े, तो उसका टेंशन क्यों लेना अपन के, है ना. इट्स बेटर गो विद द फ्लो, फिनिश द टॉपिक्स. मोस्ट कॉमनली आस्क्ड टॉपिक्स दे आर वेरी रेपिटेटिव, नॉट ओनली इन FMG एग्जाम्स, इन नीट ऑल्सो. नीट में भी यही क्राइटेरिया है. इट्स जस्ट दैट नीट FMG के बीच में एक ही है, FMG में 150 ला दो, आप पास हो, यू आर आउट ऑफ दैट लूप. डिफरेंस है, बाकी तो कोई अभी डिफरेंस रहा नहीं है आजकल। वैसे भी वो टफनेस एग्जैक्टली. एंड है। सेकेंड थिंग, आपका अटेम्प्ट, आपको बस थोड़ा सा सिलेक्टिव होना रहता है ना. वहां पे है कि भाई वहां पे भी टॉपिक तो पढ़े हुए हैं बट रिवाइज नहीं किया है ना, तो वो दो ऑप्शंस जो रहते हैं ना, उसमें हमेशा ऐसा लगता है ये है या ये है, ठीक है. तो क्वेश्चंस तो टॉपिक में से ही आएंगे, वो टॉपिक तो रिपीट होंगे ही होंगे. इट्स जस्ट दैट पॉजिटिव नेगेटिव मार्किंग जो उसमें रहता है, दैट मेक्स और ब्रेक्स यू इन NEET PG, दैट डिसाइड्स योर एक्चुअल रैंक इन NEET PG. सही बात है। वो चीज बाकी तो मुझे तो कुछ डिफरेंस लगा नहीं है ना, कि नीट और FMG. जिसने FMG का पेपर अटेम्प्ट किया है ना, उसको नीट में ही वोंट बी हैविंग एनी फियर, पता एंक्शियस नहीं होगा. चल जाता ना कि अभी एक बार तो अपन ने दे रखी एग्जाम। वही तो, एग्जैक्टली. जब आप ना जब आप FMG के, जब आप फिर प्रिपरेशन कर रहे थे इंडिया आने के बाद, तो फिर इंडिया आने के बाद फिर क्या क्या, मतलब प्रिपरेशन फेज क्या था आपका? आप कोचिंग वगैरह ज्वाइन करी थी या फिर क्या, जो वो 4-5 महीने निकले हो? कोचिंग तो था, मैंने मैंने उस टाइम पे 6 months के लिए कोचिंग ज्वाइन करके रखी थी, है ना. उसके अंदर आई वॉज वेरी श्योर कि मुझे जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो तो मुझे कैच करके रखने हुए, है ना. उसके ब्राउनी पॉइंट्स है वो तो मुझे कहीं नहीं जाने देने, ठीक है. देर वर सब्जेक्ट्स जो बहुत लेंदी है, जैसे मेडिसिन और सर्जरी, है ना. तो लेकिन क्या है कि मेडिसिन आपका, जब आप पैथो फार्मा और फिजियो करते हो, है ना, तो आपका मेडिसिन हो जाता है. सही बात है। आपने एक बार एनेट अच्छे से पढ़ लिया है और आपको पैथ फिजियोलॉजी आता है, तो आपके सर्जरी के भी क्वेश्चन बनना शुरू हो जाते हैं, है ना. तो ऐसे सब्जेक्ट इस तरह से पढ़ने होते हैं कि पहले आप उसके कॉन्सेप्ट समझ लो, है ना, तो आपको इजी रहेगा उसके लिए. बाकी इंडिया में OBGY तो कोई छोड़ता नहीं है. आई लिटरली टेल, OBGY PSM कभी नहीं छोड़ना चाहिए, ये सबसे पहले फिनिश कर दो. पास करवाते हैं सब्जेक्ट और तो जल्दी हाँ एग्जैक्टली, और ये सबसे इजी। ज्यादा वेटेज वाले होते हैं और हाँ सबसे इजी होते हैं. आने वही क्वेश्चन है, एमेनोरिया के वही क्वेश्चन आएंगे, है ना, PSM में वही योजनाएं आएंगी. मेडिसिन बच्चे जाते हैं मेडिसिन पे FMG में, तो ये सभी मैं तो मैं खुद भी यही पर्सनली बोलता हूँ कि मेडिसिन आपको पास करवाए नहीं करवाए, अगर आप मेडिसिन पे ज्यादा ध्यान दोगे तो फेल जरूर करवा देगी। मैं एक मेडिसिन रेसिडेंट हूँ,
जनरल मेडिसिन रेसिडेंट हूँ। मैंने नीट पीजी में मेडिसिन नहीं पढ़ा था, मैंने बात एफएमसी में भी मेडिसिन नहीं पढ़ा था, मैंने है, सिर्फ पैथो फिजियो और फार्मा पढ़ा था। एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि मैंने वो पढ़ा था, बिकॉज उसमें मेरा मेडिसिन कवर, 90% मेडिसिन कवर हो गया था। और आपको और फिर जितना स्कोर आपको करना है वो उतना हो ही जाता है, फिर आप एक्स्ट्रा मेडिसिन बहुत पढ़ भी लोगे तो यू हैव टू बी वेरी कोई सिलेक्टिव, वेरी सिलेक्टिव। चीज़। आपको पता है कि हाँ भाई आपकी कैपेसिटी कितनी है, यू नो योर सेल्फ कि आपकी बेस्ट कैपेसिटी में आप कितना वर्क कर सकते हो। 5 से 6 महीना का जो टाइमलाइन है उसमें आप कितना वर्क कर सकते हो। इसमें एक स्ट्रैटेजी भी था, जैसे कि हमारे एक सर थे धर्मेंद्र सर करके, ही यूज टू टीच साइकेट्री एंड बायोकेमिस्ट्री। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया था कि बच्चे देखो, एक होता है वॉलेटाइल सब्जेक्ट, एनेट, बायोकेमिस्ट्री और माइक्रो, मर्जी चाहे कितनी बार पढ़ लो उतनी बार भूल जाओगे। सो यू हैव टू गिव डेली 30 to 40 minutes इन सब्जेक्ट्स को। आप 30 40 minutes इन सब्जेक्ट को दे दोगे फर्स्ट डे से लेके लास्ट डे ऑफ योर प्रिपरेशन तक, तो आप एक तो डेली डेली कंसिस्टेंटली पढ़ोगे उसको, एंड सेकेंड थिंग ये वॉलेटाइल जो मैटर रहता है ना वो वॉलेटाइल नहीं होगा, वो परसिस्ट करेगा आपके अंदर, है ना, वो रिटेन होगा। तो आपको ये सब्जेक्ट रुलाएंगे नहीं। क्या होता है कभी कभी इंडेक्स में से एक क्वेश्चन आ गया तो आपको तो पता ही नहीं कि पॉजिटिव कौन सा था नेगेटिव कौन सा था, याद ही नहीं रहेगा आपको उस टाइम पे, है सही ना। बात, सो दिस बेसिक चीजें आपको ले डूबेगी। बिल्कुल तो दिस आई लिटरली सजेस्ट ऑल एंड एवरीवन के आप एक ये 3 सब्जेक्ट को अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ टाइम दे, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। इसके साथ कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, टॉपिक वाइज इसको पढ़ते जाए और टॉपिक वाइज इसको रिवाइज करते जाए। अपन पढ़ तो लेते, वी डोंट रिवाइज द सब्जेक्ट। मेन इशू सो में। आई से एग्जैक्टली आई से यू शुड रिवाइज ये 3 सब्जेक्ट को, तो रोज रिवाइज करना है, रोज पढ़ना है, रोज रिवाइज करना है। फिर सही बात क्या होता है कि आप कुछ पढ़ के आए, या आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया प्रेप लेटर से, या आपने ऑफलाइन किसी क्लासेस से कर लिया, तो आपको घर पे आके वो चीज फ्रेश है, तो उसको याद कर लो एक बार, तो है ना, पूरा पूरा पेजेस टू पेजेस आप कवर टू कवर उसको पढ़ लो, उसके बाद उसके क्वेश्चन लगा लो। आपको तब पता चलेगा वेर यू स्टैंड, आपका कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है, और गलती किस क्वेश्चन में बनी थी। तो आपको पता लगेगा कि इस सब्जेक्ट का, इस पार्ट का ये टॉपिक मुझे नहीं आता है, तो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू रिवाइज द टॉपिक आप उसको और ज्यादा फोकस करके पढ़ोगे। तो आई सजेस्ट दैट एज वेल। फिर अपना सब्जेक्ट रहता है ये छोटे छोटे सब्जेक्ट्स होते हैं ना, जैसे ऑफथेल है, ईएनटी है, इसमें से आना ज्यादा कुछ नहीं है, वही 10 50 क्वेश्चन है जो हमेशा आते हैं, है ना, वही टॉपिक्स है। तो कंसिस्टेंट रखो कि वो टॉपिक्स, अपने एक भी टॉपिक छूट ना जाए, बिकॉज अगर फैक्चुअल क्वेश्चन आ गया तो आप तो रो दोगे कि यार ये तो आना चाहिए था मुझे, आया नहीं। बिल्कुल, तो वो फिर एंड जब देर आर एंड वो जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना अपने, जैसे कि 6 सब्जेक्ट्स है, शॉर्ट सब्जेक्ट्स है ना, अपना एनेस्थीसिया, रेडियो, डर्मेट, देन ऑर्थोपेडिक्स, एफएमटी एंड साइकैट्री, ये सब्जेक्ट्स आप 6 सब्जेक्ट्स को अच्छे से बैठ के पढ़ लोगे ना, दे हार्डली टेक अराउंड 1 month इसको पूरा कवर टू कवर पढ़ने में, कवर टू कवर इसके क्वेश्चन लगाने में दे हार्डली टेक 1 month। सही बात, ये 6 सब्जेक्ट्स हो गए ना आपके, आपका कॉन्फिडेंस कितना बूस्ट हो जाएगा कि यार 19 सब्जेक्ट में से 6 सब्जेक्ट तो हो गए, 3 सब्जेक्ट तो मैं रोज पढ़ने वाला हूँ, है ना, जैसे कि एनेट, बायोकेम और माइक्रो, ये तो मैं रोज पढ़ने वाला हूँ। सो यू आर ऑलरेडी हाई ऑन 9 सब्जेक्ट्स। सही बात, पीएसएम और ओबीजीवाई आपने कर लिया है पहले ही, ठीक है, हो गए आपके 11 सब्जेक्ट्स। अब 19 में से 11 सब्जेक्ट कर लिया, आई थिंक इट्स मोर देन इनफ फॉर 150 इफ यू आर प्लानिंग टू स्कोर 150। सही बात, बाकी है ना क्या होता है कि आपका इधर उधर का जो मेमोरी होता है ना उससे, आई एम नॉट टेलिंग कि आप सब्जेक्ट्स छोड़ के जाओ, बट इधर उधर के मेमोरी से ना इतने, एक सब्जेक्ट का लगते इंफॉर्मेशन दूसरे सब्जेक्ट के अंदर इंटरकनेक्टेड होता ही होता है। सो हैं। यू विल स्कोर, यू विल स्कोर, यू विल डेफिनेटली स्कोर। सही बात है। फिर उसके बाद एफएमजी का जब रिजल्ट आया, क्या रहा फिर रिजल्ट वगैरह? इट वॉज विथहोल्ड, कैन यू इमेजिन, हमारा 1 week तक रिजल्ट विथहोल्ड करके रखा हुआ था, देवर लाइक 200 कैंडिडेट जिसका रिजल्ट विथहोल्ड करके रखा हुआ था, बट आई न्यू कि आई विल ऑब्वियसली पास इट, बिकॉज मैंने प्रेप लेटर का, उस टाइम पे नया नया प्रेप लेटर का आया था कि आप जीटी दे सकते हो एंड यू कैन डू द मैथ कि आप हो सकते हो नहीं हो सकते, उसके 2 GTs थे जो काफी, 7,000 FMGs ने उस टाइम पे अटेम्प्ट किए थे, तो उस टाइम पे आई स्कोर्ड गुड इन दैट। तो मुझे उतना पता था कि नहीं, अगर इसमें निकाल लिया है तो कुछ तो रह रहा है दिमाग में, तो क्वेश्चन तो बन जाएंगे। सही बात है।
प्रॉब्लम वहां आती है जब आप वहां पे एक्चुअल एग्जाम देने जाते हो, उस दिन आती है, क्योंकि उस दिन आप मेंटली ऐसे एग्जॉस्ट हो जाते हो। मॉर्निंग से जाते हो आप, है ना, 9 बजे से एग्जाम शुरू होता है, शाम के 6 बजे आप वापस आते हो। इट इज इन 2 फेजेस, राइट, फ्रॉम 9 to 12 एंड फ्रॉम 3 to 6। तो वो जो टाइम पीरियड होता है ना, उसको निकालना, उसके लिए 1 2 दिन पहले ना आप सब कुछ पढ़ना वढ़ना बंद कर दो, आप रिलैक्स करो, तो एग्जाम बढ़िया से हो जाएगी। सही नहीं तो बात, बहुत लोग उसमें पैनिक कर जाते हैं। बहुत सारे, आपको इन्फॉर्मेशन याद होने के बावजूद, यू नो, हाँ यू आर नॉट, यू आर अंडर परफॉर्मिंग। सही सो बात, आई टेल अबाउट द दैट थिंग कि आप उस टाइम में रिलैक्स रहो, एग्जाम के 2 दिन पहले पिक्चर देखो, मूवी देखो, बढ़िया खाओ पियो, सो स्पेशली 1 डे बिफोर एग्जाम। वन डे बिफोर, सही बात है, बिल्कुल करना चाहिए, अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि फिर वो एंग्जाइटी क्रिएट करता है कि ये भी याद नहीं, ये भी याद नहीं, ये भी याद नहीं, वो वाला सीन। मैंने मेरा प्रिपरेशन गौतम नगर में किया था, पूरा गौतम नगर उस टाइम पे पढ़ रहा था, एंड आई वाज लाइक मेरा क्या होगा, मैंने पढ़ना छोड़ दिया था, बिकॉज आई वाज लाइक एक रात में अब क्या हो जाएगा, जो सही होना था 5 महीने कर लिया, अब एक रात में क्या ही पढ़ू, मैं पता ही नहीं चल रहा था उस टाइम पे पढ़ू क्या नहीं पढ़ू क्या। अच्छा छोड़ो। फिर रिजल्ट विद्रक विद में हटा, फिर क्या रिजल्ट रहा? ओके आई स्कोर्ड 189, ठीक है, हाँ तो उस टाइम पे चलो वो तो अच्छा लगा कि चलो पास तो हो गए। विथहोल्ड में से वो पास फीलिंग जो आती है ना, दैट वाज आउट ऑफ द वर्ल्ड, सही बात, क्योंकि बहुत पीयर प्रेशर होता है, पेरेंट्स भी, आसपास के लोग भी, है ना, फैमिली का रहता है, फ्रेंड्स का रहता है, सबका रहता है, बिकॉज यू हैव टू स्टार्ट इंटर्नशिप ना। एफ सही एम जी जब तक आप पास नहीं करोगे तब तक आप नहीं कर सकते इंटर्नशिप, और आप स्टक हो बात जाते हो। है, बिल्कुल सो इट इज बेटर गेट डन एंड डस्टेड विथ 150। जो 150 लाता है ना, सबसे हैप्पी पर्सन होता है, क्योंकि 149 एंड ही हैज टू गो बैक इन दैट लूप ऑफ 6 months ऑफ प्रिपरेशन, बहुत एंड सारे, 150 सही एंड यू आर पास, एंड आपकी टॉप गियर में लाइफ आगे बढ़ने सही बात है। लगती है। गौतम नगर में मतलब जो आपकी जो फेज रहा, गौतम नगर में क्या होता है ना कि आप जैसे, मैं पर्सनली तो नहीं रहा हूँ गौतम नगर में, क्योंकि हमारे टाइम पे तो कोविड आ गया तो हमको तो घर से ही करना पड़ी थी 2020 में, तो लकी है मतलब कि गौतम नगर नहीं जा पाए, मैं तो लकी मानता हूँ कि चलो अच्छा हुआ नहीं गए, क्योंकि नो वहाँ का माहौल नो तो, नो आई टेल, गौतम नगर का माहौल बहुत बढ़िया है, स्पेशली लाइब्रेरीज होती है ना, है ना, मैंने लाइब्रेरीज का बहुत माहौल, यूज किया है प्रिपरेशन के लिए। मेरे आसपास है ना नीट वाले बच्चे बैठते थे, जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, उसके लिए पीजी के लिए, तो उन जो टॉपिक मुझे नहीं आता था मैंने उन्हें सिखा दिया, जो टॉपिक उन्हें नहीं आता था वो उन्होंने मुझे सिखा दिया, है ना। तो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज जब होती है ना, आपको पूरा पूरा टॉपिक पता चल जाता है, क्वेश्चन पूछ लो आप, है ना, डिस्कस कर लो आप, तो आपके प्रिपरेशन बहुत हेल्प रहता है, आप बिकॉज कैसे अनलेस यूज एंड करते अंटिल यू हो डिस्कस। माहौल, तो डिपेंड पर्सन टू पर्सन ही डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे यूज करते हो, वो चीज तो है ही सही। कभी मतलब कभी देते हुए अब एफएमजी प्रिपरेशन के टाइम पे कभी ऐसा मतलब, बहुत सारे लोग होता है ना कि एग्जाम जब पास आ रही होती है डिप्रेशन का माहौल हो जाता है, पढ़ाई छूट जाती है महीने डेढ़ महीने, कुछ कभी सिचुएशन हुई? पढ़ाई तो ऐसा होता है कि 10 दिन अच्छे चलती है, 2 दिन बेकार चलती है, फिर 15 दिन बढ़िया चलेगी, फिर 2 दिन ऐसा लगेगा आप कुछ नहीं पढ़ना, है ना। तो आई वोंट से कि एग्जाम के पहले ऐसा हुआ था, बट मेरे पूरे प्रिपरेशन के टाइम पे ऐसा हुआ था। आई यूज टू गिव माई सेल्फ रेगुलर अमाउंट ऑफ ब्रेक्स, आई यूज टू गो आउट, आई यूज टू हैंग अराउंड विद माई फ्रेंड्स, मैं बाहर जाती थी, है ना, आई हैव एक्सप्लोर्ड दिल्ली। तो आप फ्रेश मन से वापस आके पढ़ते हो, गिल्ट फीलिंग नहीं रहता है, यू हैव टू गिव योर सेल्फ ब्रेक, आप पूरे के पूरे एंग्रोस नहीं रह सकते ऑल द टाइम, एंड इट्स नॉट इवन हेल्दी मेंटली ऑल्सो, कि आप पूरे टाइम बस बुक्स में घुसे हुए हो और आप खुद को इतना डिप्रेस कर दे रहे हो। आई वुड नॉट रिकमेंड दैट, गिव योर सेल्फ वंस इन 15 डेज, वंस इन अ मंथ, गिव योर सेल्फ ब्रेक, कि आज मुझे बस थोड़ा चिल करना है, नेटफ्लिक्स देख लो थोड़ा सा, है ना, इफ यू हैव अ डॉग गो आउट, हैव अ वॉक विथ योर डॉग, स्पेंड टाइम विथ योर फैमिली, तो आप, है ना, आप यू विल बी एक्साइटेड फॉर स्टार्टिंग अगेन योर स्टडी का जर्नी फिर से। अगर आप खुद नहीं लोगे तो फिर ऑटोमेटिकली फिर बॉडी ले लेगी ब्रेक, फिर वो लंबा जाएगा, फिर 3 साल जब जाना ही है, फिर जब आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है तो फिर वो पढ़ाई भी उस लेवल की फिर हो नहीं पाती है उनमें सारी। एंड फ्रस्ट्रेशन हेल्प नहीं करती है आपको चीजें रिटेन करने में, बिल्कुल भी सही आप बात, गिल्टेड होते हो, आप डिप्रेस्ड होते हो, आप फ्रस्ट्रेटेड होते हो, ऐसे में कोई इन्फॉर्मेशन कैसे जाएगी दिमाग में। बिल्कुल। फिर जब आपका एफएमजी हो गया, फिर आपने इंटर्नशिप चालू करी, तो फिर पीजी की प्रिपरेशन किस हिसाब से फिर आपने स्टार्ट करी? मैंने पीजी की प्रिपरेशन नहीं की थी, अच्छा कैन यू इमेजिन,
मेरा इंटर्नशिप बहुत टाइट था. मैंने मेरे होम टाउन से किया है इंटर्नशिप, फ्रॉम वडोदरा इटसेल्फ, फ्रॉम बड़ौदा मेडिकल कॉलेज, SSG हॉस्पिटल. तो वहां पे क्या होते थे, जो लोकल इंटर्न्स होते थे ना, वो भागने की हमेशा फिराक में रहते थे कि कैसे हम तो ड्यूटी से भाग जाए. और जो FMG नया नया पास करके आया होता है, ही हैज दैट इंटरेस्ट कि हाँ भाई ये भी सीख लूँ, वो भी सीख लूँ, ये भी सीख लूँ. तो हम ड्यूटी करते रहते थे, एंड हमारे ड्यूटीज एक्चुअली हैक्टिक भी रहते थे. मैंने कोई ड्यूटीज बंक नहीं की है, सारे ड्यूटीज अच्छे से अटेंड की हुई है. एंड आप प्रैक्टिकली जो चीज देखोगे थियोरी में, वो चीज आएगी आपको कभी भी, यू विल नॉट लैग बैक एट दोस थिंग्स. सही बात है। और आपने ऑलरेडी 6 महीना बैठ के प्रिपरेशन किया हुआ है. एंड इफ यू सी दोस पेशेंट्स इन OPD, इन वार्ड्स, इन ICUs, एवरीवेयर अराउंड यू, जस्ट इमेजिन, वो तो कितना बड़ा जैकपॉट होगा ना आपके लिए. आपको वैसी बनी बनाई प्रिपरेशन मिल रही है, आपको वैसी एक्सपोज हो रही है. इंटर्नशिप होती इसके लिए. आई विल से कि इंटर्नशिप के टाइम में कोई गुल्ला ना मारे, कोई ऐसे नहीं करे, सेटिंग वेटिंग ना बिठाए कि भाई PG के लिए पढ़ना है, फलाना ढिकाना. नो, आप देखो उसको, आपको सीखने मिलेगा. हर पेशेंट कुछ सिखा के जाएगा आपको. सही एवरी बात। पेशेंट इज डिफरेंट, एवरी मैनेजमेंट इज डिफरेंट, इट इज वेरी सब्जेक्टिव. सबके सिम्टम्स अलग होते हैं ना. हाँ, डिजीज वही रहती है, बट हाउ यू अप्रोच इट. आप अप्रोच सीख जाओगे ना, आपको सिर्फ NEET PG का आपको टारगेट नहीं होना चाहिए. यू हैव अ करियर टू लुक फॉरवर्ड टू. यू शुड बी एबल टू टैकल एटलीस्ट बेसिक थिंग्स. कल उठ के आप PSC में जाके बैठोगे, कल उठ के आप कॉर्पोरेट हॉस्पिटल जाके बैठोगे, कल उठ के आप खुद का क्लिनिक खोल दोगे. आपका इतना कॉन्फिडेंस बना रहना चाहिए कि भाई कोई भी आ जाए, मेरे यहाँ से वापस बिना ठीक हुए नहीं जाना चाहिए. दिस इज द अप्रोच दैट यू डेवलप, नॉट NEET PG. NEET PG सेकेंडरी, वो तो होगा ही होगा. आपने देखा है, आपने 6 साल, ऐसा नहीं है ना कि 6 साल तो आपने कुछ पढ़ाई नहीं की है. 6 साल कुछ पढ़ाई की होगी, आपने FMG पास किया है. यू आर लुकिंग फॉर द पेशेंट्स, दे आर गोल्ड माइंस. ओके, ऐसा बोलते हैं रिच पीपल लर्न फ्रॉम पुअर पीपल, है ना. तो वो पुअर पर्सन जो है, हु इज नॉट अफोर्डिंग, हु इज कमिंग टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल सेटअप, ही विल टीच यू अ मिलियन थिंग्स दैट अ बुक कैन नॉट टीच यू. सो यू शुड, एंड आई ऑलवेज से कि मेरे पास इंटर्न्स आते हैं ना, हम लोग उनको सिखाते हैं, हम उनको बोलते हैं कि आप अपने इंटर्न को ये चीज सिखाओगे. ऑब्वियसली मेरे रेसिडेंट्स ने मुझे सिखाई थी वो चीजें. इट यू आर पासिंग ऑन दैट इंफॉर्मेशन टू द नेक्स्ट बैच ऑफ इंटर्न्स, नेक्स्ट बैच ऑफ जनरेशन एज वेल. सही बात। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. NEET PG तो आज नहीं तो कल निकलेगा ही निकलेगा. क्योंकि नॉर्मल सी बात है ना कि एक पे आप बुक से कोई चीज या नीट पीजी के प्रिपरेशन के लिए कोई एक डिजीज पढ़ोगे तो 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट पढ़ोगे, वही चीज को आप वहां पे घंटे दे रहे हो तो ऑब्वियसली वो आपकी अच्छी होनी एग्जैक्टली. वो चीजें तो फिर नीट। एंड आपको पता भी नहीं चलता है कि आपके सबकॉन्शियस लेवल पे वो चीजें कितनी रिटेन हाँ रहती है. उसके बाद अगर आप वो टॉपिक पढ़ोगे ना, आज आपने पेशेंट देख लिया, कल उसके उसका टॉपिक पढ़ना, देर इज नो वे इन द वर्ल्ड दैट ये टॉपिक आप भूल जाओगे या ये पेशेंट आपको याद नहीं रहेगा. सही याद बात। रहेगा ही रहेगा, एक क्योंकि अपनी एपिसोडिक मेमोरी होती है ना. वन होता है सिमेटिक मेमोरी एंड वन इज एपिसोडिक मेमोरी. सिमेटिक मेमोरी इज ओनली द फैक्चुअल थिंग्स दैट यू रटाफाई, है ना, वो भूल जाओगे आप, वॉलेटाइल रहती है ये. बट द एपिसोडिक मेमोरी, आपने यू हैव एम्पथाइज विद द पेशेंट, राइट, यू हैव सीन द पेशेंट, यू हैव एम्पथाइज विद द पेशेंट, यू विल नॉट फॉरगेट योर एपिसोडिक मेमोरीज. सही बात है बिल्कुल। तो उसके बाद फिर नीट पीजी का क्या रहा, फिर कैसे सारी चीजें वहां से, फिर कैसे इंटर्नशिप के बाद क्या चीजें हुई? इंटर्नशिप बहुत हेक्टिक था, हम लोगों का बहुत इमरजेंसी ड्यूटीज लगा है, OPDs भी काफी लगा हुआ है. इंटर्नशिप ने मुझे बहुत अच्छे से ग्रूम कर दिया था. हम लोग जब इंटर्नशिप करके बाहर निकले थे, आई स्टार्टेड वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, बिकॉज उस टाइम पे कोविड आया था. मार्च फेब्रुवरी में आई फिनिश माई इंटर्नशिप. मार्च में आई जस्ट स्टार्टेड कि हाँ भाई, जब तक काउंसलिंग का रिजल्ट आता है और या तो NEET PG का रिजल्ट आता है, बाय दैट टाइम आई डोंट वॉन्ट टू सेट. या एग्जैक्टली, 19 में आई स्टार्टेड माई इंटर्नशिप, 20 में आई फिनिश माई इंटर्नशिप. तो आई हैड दैट थिंग कि मुझे आइडल नहीं बैठना, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट माई क्लिनिकल स्किल्स एंड क्लिनिकल नॉलेज टू गो ऑन वेस्ट. घर पे बैठ के कुछ पेशेंट नहीं देखने मिलता, कुछ नहीं होता है ना. वो प्रिपरेशन फेज वाला तो सबका होता है कि हाँ अभी बैठ के पढ़ना है पढ़ना है, लेकिन वो तो बाद में भी बैठ के पढ़ सकते हो. गो आउट, सी द पेशेंट, सी कि हाँ भाई क्या एडवांसेस हुए, तो पता चलेगा ना कि हाँ भाई अब इसको और कैसे अप्रोच, बेटर अप्रोच कैसे करते हैं. देर आर सो मेनी सीनियर कंसल्टेंट्स, सीनियर फैकल्टीज हु आर रेडी टू टीच यू. सो आई ज्वाइंड अ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, एंड एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स का है वो हॉस्पिटल, बालालमीन जनरल हॉस्पिटल. वहां पे भी मैंने काफी पेशेंट्स देखे. आई स्टार्टेड वर्किंग इन कार्डियक वार्ड्स, कार्डियक ICUs,
एंड आई न्यू दैट थिंग दैट आई हैव गुड एम्पथी फॉर जनरल मेडिसिन. इफ कल उठ के मुझे करना है कुछ, देन आई हैड टू थिंग्स प्रियोरिटाइज्ड, इधर सेकेट्री और जनरल मेडिसिन. और कुछ नहीं करना था. मुझे पता चल गया था मेरे इंटर्नशिप में मुझे OBGYN नहीं करना है, मुझे सर्जरी नहीं करना है. सो इंटर्नशिप गिव्स यू दिस पर्सपेक्टिव कि आपको क्या करना है एंड क्या नहीं करना है, व्हाट यू एंजॉय डूइंग एंड व्हाट यू डोंट एंजॉय डूइंग. ये आपका इंटर्नशिप आपको बहुत अच्छे से बता देता है. क्या नहीं क्या करना है भले सो ना पता चले, बट ये जरूर पता चल जाता है क्या नहीं करना है। सही एग्जैक्टली, व्हाट आर यू गुड एट एंड व्हाट आर यू वर्स्ट एट. बात है, वो चीज तो है। सो आफ्टर आई स्टार्टेड वर्किंग इन दिस हॉस्पिटल आई केम टू नो के यार दिस इज वास्ट, है ना, एंडलेस. इसीलिए बोलते हैं डॉक्टर्स हमेशा पढ़ते रहते हैं, बिकॉज एक्चुअली इट इज सो एंडलेस, कभी खत्म ही नहीं होता. देर आर न्यू एडवांसेस एवरी डे, देर इज समथिंग न्यू एंड देर इज सो मच टू लर्न एंड सो मच टू गेन इन्फॉर्मेशन. एंड आई थिंक यू शुड हैव एन हंगर टूवर्ड्स एवरी थिंग, तो ही आप सीख पाओगे, तो ही आप बेटर डॉक्टर बन पाओगे आगे लाइफ में. वरना तो बोर ही हो जाओगे, कुछ तो उस नहीं होगा। तो एग्जैक्टली तो उसके बाद काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ गया, तो उसमें तो मुझे कुछ नहीं मिला. आई क्वालिफाइड, आई हैड दैट कि हाँ भाई कुछ तो मिल जाएगा, आई हैड दैट स्कोर. स्कोर आई विल नॉट डिस्क्लोज, बट आई हैड दैट स्कोर एंड गुड रैंक कि मैं कुछ ना कुछ तो आई विल गेट इट इन दिस काउंसलिंग एज वेल. और अगर नहीं भी मिलेगा तो भी इट बूस्टेड माई कॉन्फिडेंस दैट विथ इंटर्नशिप एंड नो प्रिपरेशन आई हैड स्कोर दिस मच. तो अगर मुझे, इफ आई गिव माई 100%, आई स्कोर इवन बेटर. सही बात है। सो आफ्टर दैट जून में आई रिजाइंड फ्रॉम दिस कॉर्पोरेट हॉस्पिटल जो फुल फ्लेजिंग कोविड हो रखा था उस टाइम पे. एंड फर्स्ट काउंसिलिंग में जब मुझे नहीं मिला, आई वॉज लाइक चलो लेट्स टेक अ स्टेप बैक एंड नाउ लेट्स सिट फॉर द प्रिपरेशन. सीन एम्पल अमाउंट ऑफ पेशेंट्स, डन एम्पल अमाउंट ऑफ क्लिनिकल स्किल्स, गेन माई क्लिनिकल नॉलेज, नाउ इट्स टाइम लेट्स सिट बैक एंड स्टडी. तो मैंने अप्लाई किया हुआ था, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स निकलते हैं ना NRHM स्कीम वाले मेडिकल ऑफिसर्स के, तो द डे आई रिजाइन द वेरी नेक्स्ट डे मेरा उस कॉन्ट्रैक्चुअल में नेम आ गया था. एंड दैट टू ओनली 8 किलोमीटर्स फ्रॉम माई प्लेस इन प्रॉपर वडोदरा सिटी. सो माई फादर वॉज लाइक क्या करना है, अब लेना है, पढ़ना है, क्या करना है. सो आई हैड गुड कॉन्टैक्ट्स ओवर देयर एंड दे वर लाइक यू विल गेट एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम टू स्टडी एज वेल. एंड मीन वाइल इफ यू आर सीइंग कपल ऑफ पेशेंट्स देन व्हाट्स द हार्म, है ना. सही बात है। सो आई डिड दैट मेडिकल ऑफिसर का जॉब फॉर 1.5 मंथ. तब तक सेकेंड काउंसलिंग का रिजल्ट आया था एंड आई क्रिएटेड अ ब्लंडर कि मैंने ना चॉइसेस लॉक नहीं किए थे. फर्स्ट MDMS का काउंसलिंग हुआ था, उसके बाद DNB का काउंसलिंग हुआ था, तो उसमें ना मैंने चॉइसेस लॉक करना भूल गई थी. बिकॉज आई वॉज वर्किंग सो आई हैड टू मेनी थिंग्स इन माई माइंड. तो आई वॉज लाइक शिट, अब तो मेरा चांस गया, अब मेरे चॉइसेस लॉक नहीं हुए तो आई के नॉट पार्टिसिपेट इन दिस राउंड, इसका रिजल्ट तो नहीं आएगा. आफ्टर दैट थर्ड राउंड मॉपअप राउंड हुआ, उसमें चॉइसेस वॉइसेस सारे लॉक कर दिए, मैंने रिजाइन विजाइन कर दिया. आई वॉज लाइक अब इसमें रिजल्ट आ जाएगा तो आ जाएगा, नहीं आएगा तो अपन बैठ के पढ़ लेंगे. तो 15 अगस्त को मैंने रिजाइन कर दिया. 8 सितंबर को हमारा मॉपअप का रिजल्ट आया था एंड इन दैट आई गॉट दिस हॉस्पिटल RDBP जयपुरिया इन राजस्थान. दिस हॉस्पिटल इज अफिलिएटेड विद RUHS कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस. सो आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट वॉट एवर जर्नी, वॉट एवर डिसीजन, वॉट एवर ऑप्शन आई हैड, उसमें आई चोज दिस एंड आई एम वेरी हैप्पी विथ वेयर आई एम राइट नाउ. एंड इवन मोर इम्पोर्टेंटली हु हैव बिकम इन दिस जर्नी सो फार. तो फिर आपने यहाँ पे DNB मेडिसिन अपने ले लिया, मतलब या आपने कोई अलग से इंटर्नशिप के टाइम पे कोई, आपने कोई कोचिंग नहीं करी, आपने कोई ऐप ज्वाइन नहीं करा? नहीं नहीं कोई कोचिंग नहीं की मैंने ना. मैरो के आई टुक द क्वेश्चन बैंक वाला पार्ट. डैम्स के लिए DAMS था उस टाइम पे, डैम्स के लिए ऑफलाइन क्लासेस होते थे, बट टाइम नहीं था मेरे पास कि मैं जाके ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करूँ, उसके बाद आके जो ड्यूटी एमसीआई पे के जो करूँ. कि नोट्स थे अब वो यूज करे आपने? आप MCA के नोट्स भी अगर पढ़ लेते हो ना अपने NEET PG के लिए, तो आपके 70% क्वेश्चन बन जाएंगे, ये मेरी गारंटी है. सही बात क्योंकि आपको आने उसी टॉपिक में से क्वेश्चन है ना. आपको बस टॉपिक क्लियर होना चाहिए. नोट्स के बस टॉपिक्स होते हैं, सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ दोस टॉपिक्स, है ना, कीवर्ड्स होते हैं उसके अंदर.
आपको कीवर्ड्स भी याद रह गए ना, तो आपका क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा उस चीज का, दैट सो एंड सो फलाना ढिकाना पेशेंट केम टू आपको ओपीडी विथ सो एंड सो कंप्लेन्स. कंप्लेन्स तो बदलेगी नहीं, कंप्लेन्स तो वही रहेगी, मैनेजमेंट वही रहेगा, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया वही रहेगा, टॉपिक तो वही रहेगा. थोड़ी सी बस चॉइसेस जो है वो ऑप्शंस थोड़े टफ हो जाते हैं मेरे समझ लगता है, जो जितने मैंने भी क्वेश्चन सॉल्व आई थिंक किए। इट इज हम उसको टफ बनाते हैं बिकॉज उसमें नेगेटिव मार्किंग रहता है. तो यू हैव एट द बैक ऑफ द माइंड द साइकोलॉजी की इसको अटेम्प्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. बट इफ अगर आपको 50% भी है ना कि हाँ कुछ तो आता है, आई से अटेम्प्ट इट. सही बात बिकॉज है। अगर नहीं किया ना तो और रिग्रेट रहेगा कि यार शिट ये हो सकता था, इसका आंसर ये पता था मुझे, तो बेटर टू डू है ना देन रिग्रेट. सही बात है। वो चीज तो अभी तक की रेसिडेंसी जब स्टार्ट हुई, अब से लेके कैसा क्या जा रही रेसिडेंसी? रेसिडेंसी जब हमारी स्टार्ट हुई उस टाइम पे कोविड था, मैंने सितंबर में यहाँ पे ज्वाइन किया था. मेरा हॉस्पिटल कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल हो रखा था उस टाइम पे. अच्छा। द फर्स्ट डे आई ज्वाइन, माय फर्स्ट ड्यूटी वाज इन आईसीयू फॉर 12 आवर्स. एंड कोई और होता ना तो वो है ना बेचारा डर के भाग जाता, बिकॉज यार कब आप बस फ्रेश पास आउट हुए हो, आपने किया क्या, आपने एक थोड़ा सा जॉब किया हुआ है, एक मेडिकल ऑफिसर का जॉब किया हुआ है, एंड नाउ दे आर सेइंग कि आप आईसीयू इंडिपेंडेंटली देखो एज अ मेडिसिन रेसिडेंट. फर्स्ट ईयर मेडिसिन रेसिडेंट को फर्स्ट डे ड्यूटी पे लगा दिया उन्होंने, कॉल्स यहाँ से आ रहे हैं वहां से आ रहे हैं. तो दैट इज वाई इंटर्नशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट. सी अगर वो नहीं किया होता तो आज ये डे पे ना हिम्मत टूट जाती, कॉन्फिडेंस ब्रेक हो जाता है ना. यू वुड हैव रीथॉट के भाई करना भी है मेडिसिन या छोड़ देना है, बैठ के पढ़ लेना है. क्योंकि सही बात है। ऑब्वियसली यू क्वेश्चन योर सेल्फ इन दिस प्रोसेस, राइट, एम आई इवन मेड फॉर द कटआउट और नॉट. सही बात है। सो ठीक है, उस दिन से लेके आज का दिन है. ड्यूटीज हमेशा, रेसिडेंसी इज ऑलवेज हैक्टिक, बट देखते देखते 3 साल हो गए. अब हम लोग एग्जाम लिखेंगे, डीएनबी का थियोरी का एग्जाम पहले होता है, हाँ, और उसके बाद प्रैक्टिकल का होता है आफ्टर 3-4 मंथ्स, एंड माय टेन्योर विल बी ओवर इन सितंबर. ओके, मतलब आपका खत्म होने वाला है सारी चीजें। कॉन्ग्रेचुलेशन। और लास्ट में आप कुछ जूनियर्स को अगर कुछ बोलना चाहते हैं। जूनियर्स के लिए आई टेल दैट जस्ट एंजॉय योर प्रिपरेशन है ना. वो प्रिपरेशन का टाइम बहुत स्ट्रेसफुल होता है, इट्स वेरी डिप्रेसिंग ऑल्सो, बट डू वन थिंग एट अ टाइम, डू वन सब्जेक्ट एट अ टाइम. उसको अच्छे से, एक टॉपिक को फिनिश करो, उसके अच्छे से क्वेश्चन बना लो, रिवाइज दैट, कम बैक एंड रिवाइज दैट, मेक श्योर यू रिवाइज दोज टॉपिक्स. इफ यू डोंट रिवाइज इट आपका कुछ रिटेन नहीं होगा. सही बात। गिव दो सब्जेक्ट्स विच आर वॉलेटाइल एवरी डे लिटिल लिटिल टाइम, एंड वेन यू गिव स्मॉल पोर्शन ऑफ टाइम एवरी डे यू विल रिटेन दोज वॉलेटाइल सब्जेक्ट्स एज वेल. स्कोरिंग सब्जेक्ट्स है उसको पहले खत्म कर दो, पीएसएम ओबीजीवाई इसको पहले खत्म कर दो. दिस गोज फॉर बोथ नीट पीजी एज वेल एज फॉर एफएमजी, बिकॉज वो आपके नंबर बनाएगा. आपको एफएमजी में सिर्फ 150 लाना है, बट नीट इज गोइंग टू डिसाइड योर मार्क्स, योर रैंक्स, योर कम्पीटिंग राइट विद 2 लाख कैंडिडेट्स है ना. सो यू हैव टू हैव एन एल्गोरिथम के मैं किस में से सबसे ज्यादा स्कोर कर पाऊंगा. सही बात है, बिल्कुल। एंड एट द एंड ऑफ द डे जस्ट डोंट फोकस ऑन नीट, बिकम अ बेटर डॉक्टर एज वेल. बिल्कुल सही क्योंकि बात। कल उठ के घर में भी बहुत सारे लोग होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं है ना, तो आपको सोसाइटी में रहना है. यू हैव टू, यू डोंट हैव टू ब्रेक अप योर कॉन्फिडेंस के भाई ये तो मुझे पता नहीं है, किसी और को पूछ के बताऊंगा. सही बात। आप उसको टाइम दो, हर चीज को टाइम दोगे ना तो यू विल बिकम बेटर डॉक्टर्स एज वेल. बिल्कुल नीट तो एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ बन गया है डॉक्टर्स के लिए. वो सही एट द बात। एंड ऑफ द डे हमारा फोकस तो हमारे करियर पे होना चाहिए. वॉट इज मेकिंग अस बेटर फिजिशियंस, सर्जन, सही बेटर बात, डॉक्टर्स, राइट. बिल्कुल बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर पूजा, आपने हमारे साथ ज्वाइन करके आज अपना जो पूरा एक्सपीरियंस था शेयर किया। आई थिंक बहुत सारे लोगों को हेल्प मिलेगी, मुझे भी बहुत सारी चीजें पता चली हैं इससे। थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। एंड इसी तरह के वीडियो और देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू, थैंक यू.